है, मेंस में थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरी पढ़ाई एनसीईआरटी से मेरी बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनको कंप्लीट किया, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस, और नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर, और जीसी लियोंग जियोग्राफी। तो ऐसे बुक्स को मैंने कंप्लीट किया। हालांकि इन बुक्स को करते करते मैं हमेशा एनसीईआरटी से वापस जाती थी क्योंकि वहां से मेरे बेसिक्स काफी क्लियर होते थे। तो प्रीलिम्स की मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि 4 महीने पहले तक तो मैंने इंटीग्रेटेड पढ़ाई की प्रीलिम्स और मेंस की, लेकिन प्रीलिम्स के टाइम पे यानी कि 4 महीने पहले मैंने फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू कर दी। इसमें मैंने फिर से वही बुक्स उठाए, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स, लेकिन उनको मैंने थोड़ा इन डेप्थ फैक्चुअल बेसिस पे पढ़ा, फैक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया। मेंस आते आते फिर मैंने अपनी पढ़ाई थोड़ा GS 1 2 3 4 के हिसाब से की, और आंसर राइटिंग मैंने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। GS 1 के लिए सोसाइटी और जियोग्राफी, इन सब्जेक्ट्स के लिए मैपिंग मैंने बहुत ज्यादा यूज की और पास्ट ईयर क्वेश्चंस ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। GS 2 के लिए पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत का बहुत ज्यादा हेल्प था और पास्ट ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स से मैंने बहुत सारा पढ़ा। GS 3 के लिए क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल था तो ऑप्शनल की कोचिंग मैंने ली थी नेक्स्ट IAS से विभास झा सर से, उन्हीं के नोट्स को मैंने यूज किया इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए भी और GS 3 इकोनॉमिक्स के लिए भी। फाइनली GS 4 में टॉपर्स कॉपीज का मुझे सबसे ज्यादा हेल्प लगा। टॉपर्स कॉपीज इसलिए क्योंकि GS 4 का मुझे कोई बुक उतना स्टैंडर्ड अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने टॉपर्स कॉपीज यूज किया था ये समझने के लिए कि एथिक्स में क्या रिक्वायर्ड है और कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए। ऑप्शनल में जैसा कि मैंने कहा विभास झा सर की कोचिंग और उनके नोट्स, उनके लेक्चर्स वही सफिशिएंट थे, उन्हीं से मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की और वहीं से मेरा बेस बना ऑप्शनल के लिए। ये मेंस कंप्लीट होने के बाद फिर